बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन जो है हमारा जो संविधान है, संविधान बनाया गया था भारत के लिए। भारत जो था 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन इसके लिए जो संविधान था वो बनाया नहीं गया था। तो फिर संविधान बनाया गया जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसी दिन से हमारा जो भारत है वो एक संप्रभु देश बना था। तो इस दिन के रूप में हम हमेशा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी मनाते हैं। तो आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो दिल्ली का मौसम है बहुत ही ख़तरनाक है, तो यहाँ की जो एरिया है पूरा कोहरा कोहरा लगा हुआ है। लेकिन जो इंडिया गेट वाला एरिया है जहाँ की रैली निकलती है, तो वहाँ पे हल्की हल्की धूप है। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम जाएंगे पर जा नहीं पाए, और अभी कुछ कह भी नहीं सकते कि जाएंगे कि नहीं। तो अभी मैं घर पे ही व्लॉग बना रही हूँ अपना। मौसम है ये देख सकते हैं आप, आज भी कहीं से कहीं तक धूप का कोई नामो निशान नहीं है। तो काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे धूप नहीं है, करीब 4-5 दिन से ऊपर हो गया है धूप बिल्कुल भी नहीं है, और पूरा जो है अंधेरा अंधेरा हो रखा है। तो ऐसा है आज दिल्ली का मौसम। काम खत्म नहीं हुआ, अच्छे से सफाई नहीं करी करेगी। रोज तो सफाई करते रहते घर घिसते रहते रोज, तो करे भी ना काम। आज तो नहीं करा उतना बोला। हाँ रोज क्या, संडे सैटरडे तो हो रहता ही है फिर। कहाँ चारों के बैठ गया इधर पे। और आज हम जा रहे हैं कहीं बाहर, अभी आपको बताएंगे नहीं क्योंकि सरप्राइज है। और जिस काम के लिए जा रहे हैं आई होप कि वो हो जाए, क्योंकि हम बहुत दिल से सोच के जा रहे हैं। और बस यही दुआ करते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं, जिस काम के लिए भी जा रहे हैं, वो हो जाए। और फिर आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, सागर भी तैयार हो गया है और दीदी तैयार हो रही है, तो थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं। तो आज मैंने थोड़ा लुक जो है अपना पूरा चेंज कर रखा है, और घर में तो मैं ऐसे ही पागल टाइप रहती हूँ। तो आज मैंने पूरा अपना लुक चेंज कर रखा है और अभी थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं। तो आपको दिखाएंगे जहाँ भी जाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और दिखाती हूँ, दीदी अभी तैयार हो रही है, सागर हो चुका है तैयार, कब हुआ नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो बाहर जाने के टाइम पे करना चाहिए। तो बस दीदी भी थोड़ा रेडी हो रही है, फिर जल्दी जल्दी निकलते हैं हम लोग बाहर और आपको भी दिखाते हैं बाहर का आज का मौसम। और आज 26 जनवरी भी है, बाहर एकदम सुनसान सा लग रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। नहीं तो और दिन गाड़ियों की इतनी आवाज़ रहती है, लेकिन आज ट्रैफिक कम है। तो आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। हम रेडी और निकल रहे हैं अभी, और हमने ओला बुक की है, वो भी आ गया है। तो अभी दिखाते हैं हम उबेर। तो गाइस हम निकल चुके हैं, है दीदी और सागर। मैं अपना सैंडल ठीक करवा रही हूँ, इसका ना हल्का सा ही टूट गया, अंकल से सही करवा रही हूँ अभी। और मैं एक पैर पे ही खड़ी हूँ अभी, तो ये सही करवाने हैं, क्योंकि आगे मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। तो सोसाइटी के अंदर ही हमें मिल गए थे अंकल, तो अभी मैंने सोचा कि हाथों हाथ सही करके लेके चले जाती हूँ, आगे का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी निकल रहे हैं, और अभी एक गेट नंबर 6 के पास। फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां हमें आना था, और अभी देखते हैं अभी वो हमें मिलते हैं कि नहीं। और यहां पे हम आ तो चुके हैं, और बहुत मुश्किल के बाद हमें ये एड्रेस मिला है। तो अभी हम जा रहे हैं उस तरफ यहां पे, और हम आए थे आज पारस ठकराल भैया के पास। तो अभी देखिए हम जा रहे हैं इस तरफ, हम आ गए हैं यहां पे, और ये है पारस ठकराल जी का घर। तो अभी मिले नहीं हैं हम, और बाहर से खड़े हैं, तो यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं। यहाँ पे बैंड बजने लग गया है, और शायद अभी आए हो बाहर।
अंदर गए थे और वहाँ पे हम स्नेहा जी से मिले हैं और काफी अच्छा लगा, वो काफी अच्छी भी है। हाँ यार, तो काफी अच्छी अभी है। हम अच्छी तो थोड़ी देर में मतलब बाहर आ गए थे क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी सब फैमिली मेंबर आएंगे तो फिर मिल लेना, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं अभी और अभी जैसे आते हैं उनसे मिलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। यहाँ पे देखिए भीड़, सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हो रखे, किस लिए खड़े हो यहाँ पे? यहाँ पे भीड़ हो रखी है, देख सकते हैं। सौरभ जोशी से मिलने के लिए, तो हम भी उनसे मिलने के लिए आए हैं। अभी तो और भी आए ना? हाँ अभी मिले ही नहीं, अभी अंदर नहीं, मैंने देखा। सुबह से आए हो तो यही रहते हो आप लोग? 10 बजे से लेकिन बाहर नहीं आए अभी। गाइस देख सकते हैं आप, सौरभ से मिलने आए हैं यहाँ पे और दस बजे से सुबह से खड़े हैं, अभी बच चुके हैं 3 और 10 बजे आ गए तो हम भी यहाँ पे खड़े हैं और देखते हैं कब तक आते हैं, कब तक हम मिल पाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी को मिलने के की थार यहाँ पे खड़ी, वो तो अभी नजर नहीं आ रही, अभी फिलहाल थार नजर आ रही है यहाँ पे। वो देख क्यूट है। ये मिल गए हमारे सब्सक्राइबर, वही तो सब्सक्राइबर मिल गए हैं। और ये मैं बता रही हूँ, कुछ क्या बता रहे हो? तो ये सारे बच्चे हैं सब्सक्राइबर हमारे, ठीक है, देखते रहना ब्लॉग और कमेंट भी करते रहना, ठीक है, हाँ शेयर भी कर देना। गए हैं यहाँ पे सौरभ से मिलने और ये है हयात होटल, अभी हम जा तो रहे हैं, अब पता नहीं मिलेंगे या नहीं, यहाँ पे है भी या नहीं कुछ पता नहीं हमें, लेकिन हम आ गए हैं इधर। ये है हयात होटल, तो ये देख सकते हैं आप पूरा ये जो होटल है, इधर ही रुके हुए हैं, अभी पता करेंगे हम यहाँ पे जाके। सौरभ की गाड़ी तो हमें यहाँ पे दिख गई है, उधर खड़ी है और आई होप कि वो मिले हमें यहाँ पे अंदर, अभी यहाँ से पता कर रहे हैं। तो ये है हयात होटल, यहाँ पे वो रुके हुए हैं, यहाँ पे आ सकते हैं पर यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं मिल पाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमें मना कर दिया है। अब हम सोच रहे हैं वापस जाने का क्योंकि मिलना तो पॉसिबल है नहीं, तो वापस जाते हैं और शाम को देखते हैं फिर से आना होता है नहीं होता है, तो शादी में अगर जाना होता है तो शादी अटेंड कर लेंगे और वहाँ पर हमें मिल सकते हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं वापस जाने के लिए। अभी हम यहाँ पर मेट्रो देख रहे हैं और ये हमने यहाँ से देख लिया, ये वाला है ना, यहाँ से ये जाएंगे सीधे। पिंक लाइन पकड़नी, कौन सी लाइन पकड़नी? पिंक लाइन ही आएगी ना ये, पिंक लाइन। और मेट्रो से जाने का सोच रहे हैं हम घर अभी। पिंक लाइन इस बार जा रहे हैं, इस बार मैं तो जा चुका हूँ। डायरेक्ट वाली है तो मेट्रो से हम उतर चुके हैं अभी और अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो हम पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हम यहाँ 12 खंबा रोड। अब यहाँ से ऑटो कर रहे हैं और ये देखिए पूरा इन दोनों ने कर दिया परेशान पैदल पैदल चला के। हालत डाउन हो गई, सुनी सुनी रोड है, इतनी गाड़ियाँ भी नहीं है, आज कमी चल रही हैं। और गांधी मार्केट और हमें लगी है भूख, तो भैया से हम यहाँ पे ब्रेड पकौड़े गर्म करवा रहे। तो गाइस फाइनली घर पहुँच गए, सारे घर आ गए हैं और भूखे हैं, पूरे दिन कुछ खाए भी नहीं है, ब्रेड पकौड़ा लेके आए हैं अभी वही खाते हैं। तो अभी पहुंच गए हम लोग घर, हम घर और हमें लग चुकी है भूख। ये है ब्रेड पकौड़े और इसमें मैंने थोड़ी सी नमकीन ली है, मुझे ये पसंद तो है। और उसको इतना छोटा है वो, उसको भूख कितनी लग गई है। हाँ भले है ना,
तो आ गए हम और खाते हैं अब, फिर होते हैं फ्री। गाइस आज हम गए थे स्नेहा सचदेवा से मिलने के लिए कोमल की शादी पे, और यहाँ हमें हम आए हैं ब्लॉग में, यहाँ पे दीदी है, सागर है और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं ब्लॉग में। तो गाइस घर आ चुके हैं हम, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रेड पकौड़ा वगैरह खा लिया है, और मैं अपना ब्लॉग आज यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी थकान हो गई है, अब थोड़ा आराम करते हैं। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ कल आपसे।